तो जी कार्ड देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि आपा कहाँ पर आए हैं। तो ये है जी LTW लुधियाना टिक्की वाले। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी, मैं हूँ आपका अपना सिंग्स मैन। तो आज एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेके आ गया हूँ आपके सामने। आज मैं आया हूँ टिक्की खाने, LTW लुधियाना टिक्की वाले। हमारे तो यहाँ पे एक कार्ट लगी हुई थी, तो LTW लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो मैंने देखा कि वो भैया वही पुराने वाले भैया हैं जिनके पास हम ना, इनकी एक शॉप होती थी पुरानी गली में, तो वहाँ पे हम इनके पास बर्गर शर्गर खाने आते थे। तो टिक्की बड़ी अच्छी बनाते थे, तो उन्होंने लगा रखी। मैंने सोचा क्यों ना इनको कवर किया जाए, देखा जाए क्या बना रहे हैं। तो राइट नाउ मैं इनके पास आया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि टिक्की बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं, किस चीज़ की टिक्की बना रहे हैं और कैसे सर्व करते हैं। ठीक है, तो अब इनसे ही जानेंगे सारा कुछ। तो जी ये देखो, ये बन रही है जी अपनी टिक्की। और अपा ये भैया से पूछते हैं कि कब से लगा रहे हैं और किस चीज़ की टिक्की बना रहे हैं। तो भैया कितने सालों से बना रहे हो भैया टिक्की? 5-6 साल हो गए करीब। 5-6 साल हो गए हैं आपको बनाते हैं, और किस चीज़ की टिक्की बना रहे हो? ये पहाड़ी आलू की टिक्की होती है। अच्छा, पहाड़ी आलू की। और आप किसके साथ सर्व करते हो इसको? दही चटनी, हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। अच्छा, दही हरी चटनी के साथ। और अपना क्या कहते हैं, टिक्की बन किस में रही है, मतलब ऑयल में बना रहे हो? घी के अंदर। अच्छा, घी के अंदर बना रहे हो। ये देख लो जी, ये बन रही है अपनी देसी घी में टिक्की। ये देखो जी, ये अनार है, ये अपना, ये क्या है? अदरक लच्छा। अदरक के लच्छे। ये क्या है? ये हमारा घर का मसाला है, बनाऊंगा। अच्छा, आप खुद बनाते हो। और चटनियाँ दिखा दो एक बारी आप खुद ही। ये धनिया की चटनी है जी। अच्छा, धनिया की चटनी है, ठीक है। ये अमचूर की, अमचूर की चटनी, ठीक है। और ये दही होता है जी। अच्छा, ये दही मतलब क्रीमी जैसी? घर ही जमाते हैं। घर जमाते हो आप, घर पे ही इसको क्रीमी करते हो पूरा, ठीक है जी। तो फिर लगाओ आज हमारे लिए भी आप एक प्लेट बढ़िया सी, फिर अपन ये टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद आपको बताएंगे कैसा है। पूछ भी लेते हैं भैया से भी, ये लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्ट पड़ती। मैं एक बारी पूरी आपको कार्ड दिखा देता हूँ। तो ये देखो जी, कार्ड कितनी नीट एंड क्लीन है। ये देखो इन्होंने, ये आगे क्लिंग फिल्म होती है, आगे कवर कर रखा है इससे ताकि कोई धूल मिट्टी भी ना आए अंदर की तरफ। और देखो एकदम नीट एंड क्लीन कार्ड है इनकी। लोकेशन कहाँ पड़ती है भैया, आप जरा बताओ? चांदनी चौक नंदलाल सेठ की हवेली के सामने। अच्छा, चावला क्लॉथ हाउस के नीचे। चावला क्लॉथ हाउस के नीचे, वहीं पे लगा रहे हो आप, ठीक है जी। तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 11 से 8 की रहती है। 11 से 8 बजे सुबह, 11 से 8 बजे आ जाते हैं जी। अगर आपको भी टिक्की इंजॉय करनी है तो आ जाओ फटाफट। बाकी अपन टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखो जी, आ गई अपनी टिक्की, भैया ने क्रश कर दी पूरी, मतलब इसको बनाएंगे। ये बाउल है पैकेजिंग वाले, जो ये यहाँ पे सर्व करते हैं वो करते हैं जो पत्तल वाले बाउल नहीं होते पुराने, ओल्ड स्कूल वो वाले। तो बड़ा मज़ा आने वाला है खा के यार, देखते हैं। अब ये जी डाल रहे हैं अपनी हरी चटनी, पूरी भर के डाल रहे हैं। और ये इनकी अमचूर वाली चटनी, वाह जी वाह। ये दही आ गई है जी भर के पूरी, ओ वाह, पूरा ज़बरदस्त भर के डाल रहे हैं भैया, कंजूसी नहीं। ये आ गया जी इनका मसाला, ये क्या है, इसके बाद ये प्याज डाल दिए थोड़े से इन्होंने, एकदम साफ़ सफाई है जी पूरी। ये जी बीट रूट के लच्छे, चुकंदर के, और ये अदरक के लच्छे, अब शायद लग रहा है अनार, अनार, ये अनार आ गया। तो ये जी बन के हो गया पूरी तैयार। ये तो भैया ने पैकेजिंग देनी है किसी को, अब अपने लिए लगेगी पूरा देसी बाउल में। तो जी ये आ चुकी है जी अपनी टिक्की, ये पुराने ज़माने वाले सिस्टम, जैसे कोई लकड़ी वाला चम्मच और ये जो पत्तल वाला जो डोना होता है उसके अंदर है। ये देख रहे हो कितने खूबसूरत सजा रखे हैं उन्होंने, ऊपर अदरक के लच्छे हैं और ये बीट रूट के, चुकंदर के, और प्याज अनार वगैरह डाल के इन्होंने बड़े अच्छे से, बड़ी प्यारी सी बना के सर्व किया है। अब अपन टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा टेस्ट है। बड़ी क्रिस्पी है जी टिक्की, चटनियों के फ्लेवर भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। बाकी अब से मैं रेटिंग भी दिया करूँगा, रेटिंग आपको स्क्रीन पे पता लग जाएगी क्या रेटिंग दे रहा हूँ मैं। बाकी वाकई बहुत अच्छी है यार टिक्की, वाकई स्वाद, पूरी क्रिस्पी है जी टिक्की, घी के अंदर वैसे ही बनती है ना वैसे ही क्रिस्पी होती है पूरी।
बाकी उन्होंने मेरे को पूरी तरह से प्रिपेयर करके दी है, पूरा ज़बरदस्त चटनी है उन्होंने, पूरी चटनियों के फ्लेवर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको टिक्की खानी है तो भैया ने लोकेशन आपको बता ही दी है, आ जाओ फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना उनके साथ जिनको ये चीज़ें खानी पसंद है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय बाय, टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में।